अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री सिस्टर्स। आज प्रीति ने स्पेगेटी बनाई, बहुत ही मज़ेदार यमी, और जल्दी बना ली, झटपट तैयार हो गई है, तो रेसिपी भी शेयर करेंगे आपके साथ। चलते हैं प्रीति की तरफ रेसिपी के लिए। ये बीफ है जो कि मैंने, ये कटिंग बोर्ड था उसमें मैंने इस तरीके से कट लिया, इसको इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अच्छा, तो आपने लंबाई में कट करी है, तो हम लोग चाहें तो किसी भी शेप में कट कर लें। इस तरीके से मैंने कटिंग बोर्ड में इस बीफ की कटिंग कर ली। आप चिकन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं, ये सारा बीफ। आप कोई भी बर्तन ले लें, मैंने फ्राई पैन लिया है। हाफ के जी बोनलेस बीफ में आपने जो है 4 टेबल स्पून ऑयल लेना है, फ्लेम मीडियम रखना है, और ये जो बीफ है इसमें वन कप जो है बीफ के लिए, तो इसमें पानी डाल देंगे। कप जो है बीफ के लिए, बीफ गलाने के लिए इसमें आप पानी डालते हैं। इस बीफ में 2 या 1.5 टेबल स्पून जो है आप वो डाल दें लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के गोश्त गलने तक के लिए छोड़ दें, मीडियम फ्लेम पे गोश्त गलने तक के लिए छोड़ दें। बीफ में ऐड करने के लिए मैंने इसमें जो लिया है, मसाला बनाने के लिए मैंने इसमें जो लिया है 1/2 पाव दही और 2.5 टेबल स्पून जो है शान का बिहारी कबाब मसाला है वो ऐड करा है इसमें। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये मसाला बनाया दिखाया था, ये इसमें बीफ में ऐड कर दिया पूरा। जब आपको लगे कि आपका बीफ जो है गल गया है, रेडी होने वाला है, तो फिर आप एक अलग पैन पे, अलग कढ़ाई पे यानी कि पानी रख दें बॉयल करने के लिए। पानी रख दें बॉयल करने के लिए, इसमें मैगी बॉयल करना थोड़ी सी, लेकिन पानी थोड़ा बॉयल हो जाए उसके बाद उसमें 1 टेबल स्पून जो है वाइट सेकर डाल दें। और आप एक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट आ जाएगा मैक्रोनी में, स्पगेटी वगैरह में, लेकिन ये कि मेरी तो बच्ची खाती है तो इस वजह से मैं इसमें हरी मिर्च ऐड नहीं करूँगा। मैं नॉर्मल पानी में आप बीच में कट लगा के पानी में जो है 1 हरी मिर्च या 2 हरी मिर्च जो है डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी जब थोड़ा सा हल्का, मतलब कि बॉयल होने वाला हो जाए, तो उसमें मैंने बीच से जो है स्पगेटी 2 टुकड़ों में कर लिए, वो आप पानी में ऐड कर दें। मैं जो है स्पगेटी यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास यही पड़ी हुई थी, बाकी आप नूडल्स और मैक्रोनी पास्ता जो भी ऐड करना चाहें यूज़ कर लें, मैं स्पगेटी यूज़ कर रही हूँ। और ये 2 बीस से 2 कर लें, उसको फिर पानी में डाल। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं मैंने जो ये स्पगेटी डाली है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डाली है, यानी कि कुछ इस तरह है तो मैंने कुछ इस तरह डाल दी। इससे ये होता है कि पकने के दौरान जो है ना एक दूसरे से ये जुड़ती नहीं है, और जो है फुल फ्लेम पे या थोड़ा फुल फ्लेम से थोड़ा सा नॉर्मल करके आप इसको, बल्कि नॉर्मल फ्लेम पे कर देना करके इसको आप बॉयल होने दें, और ढक्कन खुले ही रखें वरना भी ज़्यादा हल्का हो जाती है। बीफ जो है गल चुका है, तो इसको जो है एक चूल्हे में भून लें अच्छे तरह। फ्लेम बिल्कुल लो कर, भूनने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो करें,
और उसके बाद ये गोभी जो है इसमें डालते हैं ऊपर से। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो आप वो भी ऐड कर दें, मेरे पास थी नहीं गोभी अवेलेबल थी, मैंने वो डाल दी। तो आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं और चीज़ भी डाल सकते हैं। मेरे पास एक इतनी छोटी क्वांटिटी में गोभी थी, उसको मैंने हाफ ले लिया, पूरी नहीं डाली मैं, हाफ डाल दी। पर डाल के और जो है 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल स्लो आंच पे स्टीम देते हैं। 10 मिनट्स बाद जो है आप फ्लेम जो है ऑफ कर दें बीफ वाले का। और यहाँ पे जो है ये स्पगेटी जो है हो रही है बॉयल, इसको होने में थोड़ा बॉयल होने में टाइम लगता है, एटलीस्ट 25 मिनट्स तो आप दें इसको ताकि अच्छी तरह ठीक से बॉयल हो जाए। स्पगेटी जो हो गई है रेडी बॉयल होकर, इसका जो इजाफी पानी है फ्लेम जो है बंद कर दें, और जो उसका इजाफी पानी है वो आप फेंक दें। और अगर फौरन यूज़ करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं यूज़ करेंगे फौरन तो उसका जो इजाफी पानी है फेंकने के बाद इसमें जो है नॉर्मल टैप वाटर या ठंडा पानी ऐड करके वो पानी भी उनके वो पानी इसके ऊपर से गुजार दें, तो ये कि मर्ज नहीं होंगी अगर आप थोड़े टाइम बाद भी यूज़ करेंगे तो। जो इजाफी पानी था इसमें वो मैंने फेंक दिया है। बीफ भी जो है रेडी है, इसको जो है आप इस तरीके से डिश आउट कर लें नीचे पास का, और जो है जो आपने बीफ का जो बनाया था वो आप ऊपर रखें और इस तरीके से इसको इंजॉय करें। वेरी यमी, ट्राई करें और वीडियो में बताएं कि रेसिपी ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, पसंद आए रेसिपी तो ट्राई करें, रेसिपी पसंद आए तो ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।